अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा व अला आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फख़ज़ूह व मा नहाकुम अन्हु फत्तहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन काबिल एहतराम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है जिसने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया के अंदर शामिल फरमाया और इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हम दीन इस्लाम की पैरवी करके अपनी दुनिया और आखरत दोनों ज़िंदगी को संवार लें और दोनों जहान के अंदर कामयाबी हासिल कर लें। हम अल्लाह तबारक व तआला का इस पर शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सभी लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के अपनाने और सलफ़ सालहीन के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपके सामने सूरह हश्र की एक आयत पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सारी उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दे रहा है कि जो कुछ हमारा रसूल हमारा नबी हमारा पैगंबर तुम्हें दे उसको ले लो और जिस चीज़ से मना करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह की नाराज़गी से हमेशा बचते रहो और याद रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा और इताअत और पैरवी करने की तलकीन और तालीम फरमाई है और यही वो चीज़ है जिससे हम और आप हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गान दीन ने भी जो कामयाबियाँ हासिल कें और उनको जो कुछ सरबुलंदी और नेकनामी हासिल हुई वो इसी इत्तबाए किताब सुन्नत के नतीजे में थी। जब तक ये उम्मत किताब सुन्नत की इत्तबा पैरवी में लगी रही कामयाबी पर कामयाबी हासिल होती रही और जूँ जूँ इसके अंदर कमी पैदा होती गई ज़वाल इन्हितात नाकामियों नामुरादी और पस्ती उम्मत का मुकद्दर बनता गया। आज हम अपने असलाफ और बुजुर्गान के कारनामों को पढ़ करके सुन करके खुशी महसूस करते हैं। ये उनके जो कारनामे हैं उनकी जो तरक्की और नेकनामी है ये इसी इत्तबाए किताब सुन्नत के नतीजे में थी और वो इस सिलसिले में कितने सरगर्म होते थे कितने मुतहरिक होते थे आइए उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपके सामने एक वाक़या ज़िक्र करूं जो सही मुआरिदुज़्ज़मान इला सही इब्न हिब्बान के अंदर मनकूल है और वाक़या अगर हम गौर फरमाएं तो हमारे और आपके लिए बड़ा सबक आमोज़ और नसीहत आमेज़। वाक़या इस तरीके से है कि मालिक बिन अब्दुल्ला अल-ख़सामी रहमतुल्लाह अलैह जो जलील क़दर ताबई हैं ये रोम के अंदर मुसलमानों की जमात की लीडरी कर रहे थे क़ियादत कर रहे थे और एक मरतबा अपनी जमात को लेकर के ये अपने किसी मंजिल की तरफ उसी सरज़मीन में जा रहे थे कि चलते चलते इनकी मुलाकात सहाबी रसूल अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है।
रावी बयान करता है कि उस वक्त जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खच्चर अपने सवारी की लगाम पकड़े पैदल चल रहे थे। मालिक बिन अब्दुल्लाह खसमी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इस हाल में देखा तो अर्ज़ किया, इरकब या अबा अब्दुल्लाह कद हमलकल्लाह, कि ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला सवारी पर सवार हो जाएं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सवारी मुयस्सर कर रखी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, इन्नी उसलिहु दाबती व अस्तग़नी अनिल क़ौम व समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ग़बरत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाह हर्रमहु अल्लाहु अलन नार। यानी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जवाब दिया कि देखो, ये जो पैदल मैं चल रहा हूँ, इससे मेरा मकसद एक तो ये है कि मैं अपनी सवारी को आराम देना चाहता हूँ, उसकी थकावट दूर करना चाहता हूँ, और अपनी कौम का मोहताज भी नहीं बनना चाहता, उस पर बोझ भी नहीं डालना चाहता। और मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स राह खुदा में पैदल चले और उसके पैर गर्द आलूद हों, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ने जहन्नम पर हराम करार दिया है। हराम करार देने का मतलब ये है कि जैसे एक मुसलमान हराम चीज़ के करीब नहीं जाता है, उसको टच भी नहीं करता, उसको छूता भी नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स पर जो राह खुदा में पैदल चले और उसके जिस्म पर उसके पैर पर मिट्टी और गर्द वगैरह पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स पर जहन्नम को हराम करार दिया है, यानी वो जहन्नम से बिल्कुल महफूज रहेगा। बहरकैफ़ मालिक बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत इस चीज़ को पसंद किया, फिर दोनों चलते रहे। रवायत के अंदर है कि हज़रत मालिक बिन अब्दुल्लाह खसमी रहमतुल्लाह अलैह जब काफिले के इतना करीब पहुँच गए जहाँ से उनकी और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को सारा काफिला सुन सके, तो फिर एक मरतबा मालिक बिन अब्दुल्लाह खसमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुलंद आवाज़ में अर्ज़ किया कि ऐ जाबिर, इरकब, अपनी सवारी पर आप सवार हो जाएं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सवारी से नवाजा है। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके मकसद को समझ गए कि ये मेरी बात लोगों को सुनाना चाहते हैं, चुनांचे उन्होंने भी बुलंद आवाज़ में उनको जवाब दिया, इन्नी उसलिहु दाबती व अस्तग़नी अनिल क़ौम व समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ग़बरत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाह हर्रमहु अल्लाहु अलन नार, कि मेरे भाई, मैं अपने सवारी को आराम देना चाहता हूँ और कौम के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहता, और मैंने ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पैर राह खुदा में चलते हुए खाक आलूद हों, जो राह खुदा में पैदल चले, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के लिए हराम करा दिया है, यानी उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बिल्कुल महफूज रखेगा। रवायत के अंदर है कि सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात जब काफिले वालों ने सुनी, फ़तसावा नासु अन दवाबिहिम, तो सुनना था कि सुनने वाले सारे लोग अपनी अपनी सवारियों से
कूद करके उतर पड़ते हैं और रावी बयान करता है कि उस दिन जितना राह खुदा में पैदल चलने वालों की तादाद मैंने देखी, इससे पहले कभी मुझे इतना पैदल चलने वाले नज़र ना आए। इस वाक़े में यूं तो हमारे और आपके लिए सबक आमोज़ कई पहलू हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जब उन अल्लाह के बंदों ने, मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुना कि पैदल चलने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की है, और यह फजीलत बयान की है कि जो राह खुदा में पैदल चले उसके पैर खाक आलूद हों, पैर पर गर्दो गुबार पड़े, तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के लिए हराम करार दिया है। इस फरमान रसूल का सुनना था कि उतरने में उन लोगों ने देर न की और जितने भी लोग थे सब के सब तकरीबन अपनी अपनी सवारी से उतर करके राह खुदा में पैदल चलने लगे। तो हजरत ग्रामीण, ये हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन का, सलफ़े सालहीन का जज्बे इताअत था, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी का जज्बा था, और यही वो चीज़ है जिसने उनको सरबुलंद किया, कामयाबी अता की, दुनिया में भी नेक नाम हुए और इंशाल्लाह आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। अगर हमें और आपको भी दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी मकसूद है, हम चाहते हैं कि दोनों जहान के अंदर सुरखरू हों, तो यही जज्बा इताअत, यही मोहब्बत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमें अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान हमारे सामने आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात हमें सुनाई जाए या हम पढ़ें, किसी तरीके से किसी सुन्नत मुतहरा के बारे में हमें और आपको जानकारी हो, तो उसके ऊपर अमल करने में हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस कदर जितना जल्दी हो सके उस फरमान रसूल पर अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कहने वाले को भी, सुनने वालों और वालियों को, सारी के सारे उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी और आपकी नेकी और नेकियों को दर्जे कबूलियत अता फरमाए, दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सरबुलंद और कामयाब फरमाए, और आखरत की भी सरबुलंदी हमारा और आपका नसीबा बनाए। आमीन। अक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु मिन कुल्लि ज़म्ब इन्नहु ग़फूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।